अभी का सीन ऐसा है, कुछ अपडेट देने के लिए आया हूँ मैं, मतलब आमिर भाई के बारे में। जेपी ब्लॉग को भी देखा, जानू स्टंट्स को भी देखा यार, जम्मू के तुम ब्लॉगर हो गए, वही के बंदा जो मतलब बढ़िया बंदा है उसको यार, जो बड़ा ब्लॉगर है उसको यार तुम मतलब इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हो यार, ये गलत हो रहा था। और एक्चुअली मैं जिस ब्लॉगर के बारे में आज बात करने आया हूँ भाई, वो कोई और नहीं है यार, अपना भाई है यार आमिर माजिद। बट अभी क्या हो गया भाई, अभी कहाँ तुम चले गए, मतलब जिस टाइम दोस्ती निभाने चले गए, सपोज दैट कि अगर तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ होता है ना उसके साथ स्टैंड लो यार। देखो केस के बारे में कन्फर्म नहीं पता है कि उसके साथ हुआ क्या है, एक्चुअली मैंने उसकी सारी वीडियोज देखी है, मतलब वीडियोज में कहीं भी क्लियरली यहाँ पे मतलब वैसे फाइट होते हुए नहीं दिखी या फिर उसके ऊपर अटैक होते हुए नहीं दिखा भाई। मुझे पहले यहाँ से निकलने दो, कितनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, सारी अपडेट दूंगा, बस ब्लॉग में बने रहना। बट भाई उसमें सीसीटीवी में ना क्लियरली दिख रहा है कि चार पांच लौंडे ना एक लौंडे को मार रहे हैं और इश्तियाक बचाने के लिए आया है, इश्तियाक बचाने की कोशिश कर रहा है। आयरा माजिद साइड खड़ी है, इश्तियाक साइड खड़ा है, वो सारी चीजें भी दिख रही है। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ भाई की उसको, उसके लिए ना भाई कमेंट में स्पैम कर दो भाई, कमेंट में पूरा ना स्पैम करो पहले, क्योंकि यार जम्मू पुलिस को देखना पड़ेगा ये सारा मसला, क्योंकि यार यही ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर यार दोस्त दोस्त का साथ देता है और वहीं पर ना बंदा समझ जाता है कि भाई कौन आपका अपना और कौन पराया। एक्चुअल में जेबी ब्लॉग्स के साथ जो भी हुआ है मैं उसको गलत पूरी तरह से नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बैक ऑफ होना चाह रहा है भाई। ये 1200 क्या सेक्सी लगता है भाई, भाई क्या मतलब पहाड़ है भाई, ये तो पहाड़ है पहाड़, मैं तो चढ़ भी ना पाऊँ इस पे यार, कतई सेक्सी लग रहा है, मेरे को मन कर रहा है यार, मेरे को गिफ्ट कर दो ये, अब बिक जाएगा रे मेरा, अब 10 बाइक आ जाएगा इसमें तो यार। निकली भाई कतर, व्लॉग है ना भाई कुछ इस तरह से शूट हो रहा है क्योंकि अभी जा रहे हैं ऑफिस। मनाली की जो है ना व्लॉग हमने बैक टू बैक अपलोड की है, होप सो कि आप लोगों को पसंद आ रही, क्योंकि उसने ना अपनी वीडियो में दिखाया है अटैक का भाई, अटैक में बस भाई कैमरा ऐसे ऐसे हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा भाई, उतना ही अटैक हुआ क्या, मतलब कैमरा इधर उधर हुआ क्या। उसने बोला है कि भाई उसने बोला है कि उस पर अटैक हुआ है, तो भाई वो आमिर माजिद ना उसने बहुत भरोसा किया उसके ऊपर, जेपी ब्लॉग के साथ हमेशा रहता था, जेपी ब्लॉग के साथ सारी चीजें करता था भाई। तो अभी क्या हो गया जेपी भाई, कहाँ चले गए तुम, मतलब अच्छे क्रिएटर अगर इतने बड़े क्रिएटर तुम बन गए, 58K 60K भाई तुम्हारे सब्सक्राइबर है, उसके बाद जिसने तुम्हें उठाया है जमीन से भाई तुम उसी को भूल गए। कुछ भी ना छुपा छुपाई बात नहीं कहूँगा मैं, जो भी कहूँगा तू भी वेरी फ्रैंक, वो पीछे होना चाहता है क्योंकि भाई उसकी इंजरीज देख के पता चल रहा है ना कि वो सच वाली है या फिर कुछ और है। यार अभी पता चल गया ना कि कौन सच है, कौन सही है और कौन गलत, कौन अपना है और कौन पराया भाई, ये सारी चीजें पता चल गई। अनुराग डोबल ने भी उसी टाइम पे उसको धोखा दिया था जब उसका सबसे क्रूशियल टाइम चल रहा था भाई। अभी वो रिकवरी मोड पर है, आमिर भाई बहुत जल्दी उनकी वीडियोस आएगी अभी, मतलब देखो दुआ करो सभी कि जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए और अपनी वीडियोस दोबारा से बनाने लगे, बस हम तो यही दुआ कर रहे हैं भाई कि आमिर भाई दोबारा से आए वीडियोज लेकर, ताकि जो है कि भाई जो नए नए यूट्यूबर्स हैं, जो लोग जो है जो लोग उनको देख करके इंस्पायर होते हैं, उनकी इंस्पिरेशन बने रहे और खूब तरक्की करे भाई, मेरी बस यही दुआ है। अनुराग डोभाल भी भाई बहुत तरक्की करे, बहुत बढ़िया बंदा है वो भी। और भाई जिस तरह से अभी मैं आमिर भाई के लिए आगे आया हूँ, कल को मैं जिसके साथ अगर दूसरे के साथ किसी के साथ भी होगा मैं आगे आऊँगा। होप सो कि गाइस आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो भाई अभी का सीन ऐसा है कि अभी ऑफिस के आसपास पहुँच गए हैं, तो अभी करते हैं ब्लॉग को ख़त्म और मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में।